आपके दुल्हन का पराठा और इस दुल्हन के पराठे में क्या फर्क है? नहीं, ये तो बहुत बहुत प्यारा है। वो कुंवारे जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई और वो दुल्हन के ख्वाब देखते हैं, उनका दुल्हन का ख्वाब तो पता नहीं कब पूरा होगा, लेकिन इस्लामाबाद मेलोडी फूड पार्क में उनको मिलेगा दुल्हन पराठा। ये दुल्हन पराठा बनता कैसे है और उसका दुल्हा कौन सा है, आइए ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि दुल्हन आप खुद हैं या आपका सिर्फ दुल्हन पराठा ही आप बनाती हैं? दुल्हन पराठा बनाती हूं मैडम। दुल्हन पराठा नाम कैसे रखा, क्यों रखा? ये मुग़ल दौर के जो बादशाह और शहनशाह थे, उन्होंने अपनी जो ब्राइड होती थी उनको फर्स्ट नाश्ता देते थे, वो दुल्हन नाम का एक पराठा था। उसमें 25% अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो मसाले जो हैं वो 300 के अबव थे, अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 25 मसाला जो हम लोगों ने मुख्तलिफ मुल्कों से मंगवाए, श्रीलंका से, इंडिया से, बांग्लादेश से, हमने ये मसाला ऐड करके हमने एक रेसिपी बनाई है दुल्हन पराठा के नाम से। जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें मीट है, फिश है, चिकन है, वेजी है और कबाब वगैरह और एग वगैरह हम लोग इसमें मसाले में ऐड कर रहे हैं दुल्हन पराठे में। तो ये आप इस्लामाबाद में कब से बना रही हैं? ये अभी हमारी न्यू ओपनिंग है, 24 को हमारी ओपनिंग हुई थी, तो अभी हम लोग 24 से, वैसे तो लाहौर से हमने स्टार्ट लिया था, हमारे 7 ब्रांच हैं वहाँ पे, हमारे ओनर लाहौर में, अभी इस्लामाबाद में हमारी फ़र्स्ट ओपनिंग है, तो अभी तक कस्टमर के बहुत अच्छा आ रहे हैं। दुल्हन पराठा बनने में कितना टाइम लग जाता है? एज अ 10 मिनट, अगर ज़्यादा रश हो तो फिर 15 मिनट कस्टमर को बता देते, 10 मिनट में रेडी हो जाता है, क्योंकि उसकी टॉपिंग भी होती है, इस वजह से कस्टमर को हम लोग टाइम देते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिमांड आपकी कि और भी पराठे हैं या इसी सिर्फ आप दुल्हन पराठा बना रही हैं? और भी हैं, वेजी है हमारे पास, मूली पराठा, आलू पराठा, पालक है, मिक्स वेजी है, चीज़ है, पिज़्ज़ा पराठा है, ज़्यादा हमारा दुल्हन पराठा है जो ज़्यादा कस्टमर डिमांड करते हैं। जब कस्टमर आता है और नाम देखता है दुल्हन पराठा, तो पूछता नहीं है कि ये दुल्हन पराठा मतलब क्या, किस तरह से रखा है? हाँ, ये पूछते हैं, फिर हम लोग उनको बताते हैं कि ये मुग़ल दौर के किचन से हमने स्टडी की है, वहाँ से हमने मसाला उठाए हैं, तो इस्लामाबाद में जो हमारी ब्रांच है वो ओपन की है हमने। ज़्यादातर मेल आते हैं या फीमेल, दोनों में ये दुल्हन पराठा मतलब मकबूल है या सिर्फ जस्ट जो कुंवारे हैं? कुंवारे नहीं है, बुज़ुर्ग भी आते हैं और नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, वो पूछते हैं कि दुल्हन पराठा क्या है, फिर उनको रेसिपी तो हम लोग बता नहीं सकते, जो हमारे मसाला जाते हैं वो हम लोग कस्टमर को बताते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि आप ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा, ऐसा वो कस्टमर लेते भी हैं और उनको अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है हमारा। दुल्हन पराठा कितने का है प्राइस, कितनी कीमत होगी? 350 की है, बहुत कम है, और मार्केट में देखा जाए तो बहुत ही कम है, इस वजह से हर कस्टमर लेता है। तो एक सिर्फ एक बंदे के लिए है या 2 से 3 लोग खा सकते हैं? 2% के लिए है, वैसे तो 1% खा सकते हैं अगर ना हो, वो तो कस्टमर पर डिपेंड करता है वो एक लें या 2। मैं यहाँ इस्लामाबाद में घूमने आई हूँ और इस्लामाबाद में एक फूड स्ट्रीट है जो बहुत अच्छी है, खाने बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ख़ास बात नोट की है और बहुत अच्छा एक ढाबा खुला है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे मिलता है दुल्हन पराठा जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। उसके बाद फिर मैं मरी चली गई और उसके बाद मुझे जब इस्लामाबाद में आना पड़ा तो फिर मैं फ़ौरन यहाँ पे आई हूँ दुल्हन पराठा खाने। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, दुल्हन पराठा इज़ दी बेस्ट पराठा और न्यू है, न्यू वैरायटी है, न्यू चीज़ है, आप ट्राई करेंगे तो आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा, और मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत मज़ा आया। सर ये बताइएगा कि आपको दुल्हन पराठा कैसा लगा? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा था, टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त था, हमने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, और ये साथ में जो मेरे फैमिली है इन लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया, और ये इंशाल्लाह मतलब मैं हर किसी को वो रिकमेंड करता हूँ कि वो आके और यहाँ पे मतलब दुल्हन पराठा वो ये इंजॉय करे, और भी पराठे इनके बहुत अच्छे हैं,
टेस्ट भी अच्छा है, हाइजीन भी अच्छा है, तो लोगों को चाहिए कि वो आ जाए और मतलब इंजॉय करे ये चीज़ें। आप मैरिड हैं? मैं मैरिड हूँ। आपके दुल्हन का पराठा और इस दुल्हन के पराठे में क्या फ़र्क है? नहीं, ये तो बहुत प्यारा है, खैर है, लेकिन घर तो घर है ना, बीवी के मतलब उसके बारे में तो बंदा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कि ये भी बड़ा ज़बरदस्त था, ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी था, मैंने फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस अच्छा था। जी मैम, ये बताइएगा कि आपको दुल्हन पराठा कैसा लगा? दुल्हन पराठा वाकई बहुत मज़े का था और खा के बहुत मज़ा आया, देसी घी में भी बना हुआ था, और मैं तो कहूँगी जो भी आए वो आपका पराठा ज़रूर ट्राई करें यहाँ पर। तो मतलब जब आप मेलोडी फूड पार्क में इंटर हुई हैं तो किस चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया कि आप इसी साइड पर आई हैं और यही पराठा आपने खाया? सबसे पहले तो ये जो इनका लगा हुआ था आपका पराठा, उन्होंने फिर उसमें जब मेन्यू कार्ड देखा और तो उसमें दुल्हन पराठा था, तो हमने कहा चलिए ट्राई करते हैं दुल्हन पराठा को, और माशाल्लाह इनकी कन्विंसिंग पावर इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने हमें यहाँ से हिलने ही नहीं दिया, और फिर हमने ट्राई किया तो इट वॉज वर्थ ईटिंग पराठा, दुल्हन पराठा। जी बच्चे, आप बताइएगा आपको दुल्हन पराठा कैसा लगा? जी बहुत अच्छा था, मतलब वर्थ टेस्टिंग था, और मतलब खाने के बहुत मज़ा आया, काफ़ी अर्से बाद जो है हम मतलब बाहर निकले और हमने जो है इन्जॉयमेंट भी की, और मतलब टेस्ट बहुत अच्छा था इसका, एंड नाम बड़ा फैसिनेटिंग किस्म का है दुल्हन पराठा, एंड मतलब अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा कि आप अट्रैक्ट हो जाते हैं इसकी तरफ, एंड यू वॉन्ट कि आप मतलब जाएँ और खाएँ। जी नाजरीन, जिस तरह दुल्हन पराठा नाम यूनिक है, इसी तरह जायके में भी बेमिसाल है। रुकैया नईम और साफ डिजिटल, इस्लामाबाद।